हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ चार तरह के नाश्ते की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम ऑयल में बन के रेडी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे सेमिया पूली होरा। और ये जो रेसिपी होती है फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी 10 से 15 मिनट में ही बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। और मैंने यहाँ पर देखिए ये सेमिया लिया हुआ है मीडियम साइज़ का। बहुत ज़्यादा ये बारीक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ये मोटा वाला सेमिया नहीं है, मीडियम साइज़ की सेमिया है। तो बस पानी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, जब पानी में उबाल आने लगेगा, तो हम सेमिया इसमें डाल देंगे। और बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करेंगे हम, सिर्फ 2 से 3 मिनट ही हम इसे कुक करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, ओवर कुक नहीं करना है इसको। बस हाथों पर इस तरीके से लेंगे, देखिए इस तरीके से ये मैश हो जा रही है। तो जो ये सेमिया है ये कुक हो चुका है, गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसको अब हम छान लेंगे स्ट्रेनर में इस तरीके से। देखिए मैंने इसको छान लिया है, अब इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। और देखिए सेमिया बिल्कुल खिला खिला है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको इसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। अब चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले हम तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है चने की दाल, उड़द की दाल, रोस्टेड मूँगफली और रोस्टेड काजू लिया है मैंने, और 2 मैंने रेड चिली लिया हुआ है। तो बस पैन में डालेंगे ऑयल, रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ मैं यहाँ पर आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं। बहुत ही कम ऑयल में ये नाश्ता बनके रेडी हो जाता है। तो ऑयल डाल देंगे और ऑयल को गर्म होने देते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है। ऑयल गर्म हो गया है तो अब मैं इसमें डाल दूँगी सबसे पहले राई। राई को अच्छे से चटकने देंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे जीरा। अब हमने जो दालें रखी हैं दालें डाल देंगे इसमें। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले डाल रही हूँ चने की दाल, उड़द की दाल डाल देंगे, और मेरे पास जो 2 सूखी रेड चिली थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है। अगर आपके पास करी लीव्स है तो आप वो भी इसी समय डाल दें। बस अब दालों को थोड़ी देर हम फ्राई होने देंगे। इसी समय मैं ऐड कर दूँगी हल्दी पाउडर, ताकि जो हल्दी पाउडर है वो भी अच्छे से कुक हो जाए, उसका जो स्मेल होता है वो ख़त्म हो जाए। अब दालों को यहाँ पर कुछ सेकेंड के लिए हम फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन चिली। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 ग्रीन चिली ली है, जिसको बीच में से कट कर लिया है। और यहाँ पर देखिए जो दालें थी वो अच्छे से फ्राई हो गई हैं, उनका कलर चेंज हो गया है। तो अब हमने जो ये सेमिया बॉईल करके रखा है, ये सेमिया इसमें डाल देंगे। और 10 मिनट में फ्रेंड्स ये जो नाश्ता है ना, ये बनके रेडी हो जाता है। और खाने में इसका जो टेस्ट होता है वो तो कमाल का होता है। अब इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हमने जो रोस्टेड काजू और मूँगफली रखे हैं वो हम इसमें डाल देंगे। डाल करके बस अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको सेमिया को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। ओवर कुक करेंगे तो फिर नाश्ता थोड़ा सा चिपचिपा सा बनेगा। अब लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। अब ऐड करेंगे इसमें इसका मेन इंग्रेडिएंट्स, वो है नींबू। तो मैंने यहाँ पर देखिए हाफ नींबू लिया है, पूरा नींबू मैं डाल दूँगी इसमें। नींबू डाल के बस अब सबको अच्छे से हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। और देखिए हमारा जो ये नाश्ता है ये बन के रेडी हो गया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही झटपट ये नाश्ता बन के रेडी हो जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें आपको चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ना प्याज डालने की ज़रूरत है, ना टमाटर डालने की ज़रूरत है। और जो भी मैंने इसमें चीज़ें डाली हैं सब आपको अपने किचन में मिल जाएगा। तो बस चलिए फटाफट अब नाश्ते को मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। और आप देख सकते हैं कितना ये खिला खिला बना हुआ है। तो बस आप इसको ज़्यादा ओवर कुक ना करें, सिर्फ 2 से 3 मिनट ही आप इसे कुक करें सेमिया को। बहुत ही झटपट ये नाश्ता बनता है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। सबको ये बहुत पसंद आएगा, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। हमारी जो दूसरी रेसिपी है वो है वेज चीज़ सैंडविच। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारे वेजिटेबल्स लिए हुए हैं, प्याज लिया है, टमाटर लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने ये खीरा लिया हुआ है, और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसमें कॉर्न। तो सभी चीज़ों को मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीज़, ग्रेट किया हुआ चीज़ डाल देंगे। मैं डाल रही हूँ इसमें रेड चिली फ्लेक्स, आप चाहे तो ग्रीन चिली भी इसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑर्गेनो, जो हम लोग पिज़्ज़ा में यूज़ करते हैं। आप चाहे तो आप इसमें ग्रेट किया हुआ गाजर और शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। जो भी आपको सब्ज़ियाँ पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस डाल के सभी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून मोइनीज़। मोइनीज़ डालने से ये जो सैंडविच है ना, बहुत ही ज़्यादा ये क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी हो जाती है। बस सभी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेना है।
अब मैं इसमें कुछ भी नहीं ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो आप इसमें नमक डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें नमक नहीं डाला है क्योंकि सभी चीज़ों में, चीज़ में और जो हमने मोइनी डाला है सब में नमक रहता है। यहाँ पर देखिए सभी चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 2 वाइट ब्रेड, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। बस इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा और हम मोइनीज लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से मोइनीड को स्प्रेड करेंगे और एक नाइफ़ की हेल्प से इसको हमें लगा लेना है चारों तरफ अच्छे से। और ये जो सैंडविच होता है बहुत ही जल्दी ये बन के रेडी भी हो जाता है, साथ में ये बहुत ही हेल्दी भी है और बहुत ही टेस्टी भी होता है क्योंकि हमने इसमें ढेर सारे वेजिटेबल्स ऐड किए हुए हैं। अब हमारी जो ये स्टफिंग है इसको अच्छे से हम ब्रेड के ऊपर चारों तरफ फैला लेंगे, अच्छे से इसको फैला लेना है चारों तरफ। और ये जो दूसरा ब्रेड है इसके ऊपर लगा देंगे। इसी तरीके से मैं बाकी के जो सैंडविच उसे भी रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक तवा लिया है, तवे को अच्छे से हम बटर से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो ऑयल या घी भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। अब बस हमने जो ये सैंडविच रेडी किया हुआ है इसको तवे पे रख देंगे और इसके ऊपर की साइड पर भी हम बटर लगा लेंगे। और गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम रहेगा, मीडियम फ्लेम पर ही हम सैंडविच को बनाएंगे, तभी जो सैंडविच है बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगी। तो दोनों ब्रेड पर मैं बटर लगा लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट के बाद फिर हम ब्रेड को पलट देंगे और देखिए नीचे की साइड से ये हल्का सा सिक गया है। तो अब हम दूसरे साइड पर भी थोड़ा थोड़ा बटर लगा लेंगे। बटर लगा के अच्छे से इसको फैला देना है। अब दोनों साइड से इसको क्रिस्पी होने तक हम सेक लेंगे। अब देखिए इसको हम पलटेंगे और देखिए नीचे की साइड से कितना अच्छा कलर आ गया है। तो ये एक साइड से अच्छे तरीके से सिक गया है, बस अब नीचे की साइड से भी इसको हम ऐसे ही सेक लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा जो सैंडविच ये बन के रेडी हो गया है। तो अब मैं आपको इसको कट करके दिखा देती हूँ कि अंदर से दिखने में कैसा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है ये सैंडविच और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आता है और बहुत ही जल्दी बन भी जाता है। बहुत ही झटपट ये सैंडविच की रेसिपी है। और ये देखिए चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और ये सैंडविच को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 3 से 4 मिनट में सैंडविच बन के रेडी हो जाता है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर उपमा। तो उपमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। अब इसमें डालेंगे ऑयल, तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें डाल देंगे राई, राई को अच्छे से चटकने देंगे। फिर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ इसमें जीरा, जीरे को भी भून लेंगे साथ में राई के। और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ इसमें मूंगफली, क्योंकि जो मूंगफली है ये कच्ची है तो मैं इसको पहले ही ऐड कर दे रही हूँ इसमें, क्योंकि मूंगफली को फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मूंगफली को यहाँ पे थोड़ी देर भून लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पे चने की दाल और उड़द की दाल। दालों को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे उनका कलर चेंज होने तक, ताकि जो दाल है वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। और फ्रेंड्स ये जो उपमा है ना ये भी बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है, 15 से 20 मिनट में उपमा बन के रेडी हो जाएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिली और करी लीव्स, डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है सबको भुनने में। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ एक प्याज, प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया है। प्याज डाल के प्याज को हम भुनेंगे, पर प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, बस प्याज का जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो जाए उतना ही हम यहाँ प्याज को भुनेंगे। तो 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है प्याज को भुनने में। और देखिए यहाँ पे जो प्याज का कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी सूजी। सूजी को मैंने पहले नहीं भुना था, सूजी को अब मैं भुनूंगी इसके साथ में ही सभी चीज़ों के साथ में। इस तरीके से जो उपमा है ना बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है। तो अब सूजी को हम यहाँ पे 3 से 4 मिनट भुनेंगे मीडियम फ्लेम पर। जब हम उपमा बनाते हैं तो सूजी को हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनते हैं, उसका जो कलर है वो चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सूजी है वो भुन गया है, 3 से 4 मिनट मैंने इसको भून लिया है।
तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। नमक ऐड कर देंगे और अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। तो मैं यहाँ पे गर्म पानी ऐड कर रही हूँ इसमें, तो जितना मैंने सूजी लिया था उसका 3 गुना मैं पानी ऐड कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर 3 कटोरी पानी ऐड करूँगी। देखिए बस पानी मैंने ऐड कर दिया है। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ढक देंगे। और यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया था, तब इसको ढक के हम पकने देते हैं सूजी को अच्छे से। और यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, जो उपमा है ये बन के रेडी हो गया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है ये रेसिपी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस। नींबू का रस ज़रूर ऐड करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उससे उपमा में। नींबू डाल करके बस सभी चीज़ों को हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको ढक देंगे हम और यहाँ पे 5 मिनट हो गए थे। तो अब मैं उपमा को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। पर अगर आप इसे भी ड्राई उपमा खाना चाहते हैं तो आप इसको और ढक के रख दें 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद जो उपमा है ये और ड्राई हो जाएगा। तो बस देखिए मैं इसे फटाफट प्लेट में निकाल लेती हूँ। हमारा टेस्टी सा उपमा जो है वो बन के रेडी हो गया है। अब मैं लास्ट में बनाने जा रही हूँ पोहा। पोहा जो होता है वो सबका फेवरेट होता है, ऑल टाइम फेवरेट ब्रेकफास्ट की रेसिपी है ये। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है पोहा, बिल्कुल बारीक वाला पोहा नहीं है ये, थोड़ा सा मोटा वाला पोहा है। तो इसको अच्छे से हम 2 से 3 पानी से पहले वॉश कर लेंगे। और यहाँ पे अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने यहाँ पे पोहा को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको भिगो के रख दिया था ताकि जो पोहा है वो थोड़ा सा फूल जाए। अब इसको हम इस तरीके से छान लेंगे स्ट्रेनर में और इसको ऐसे ही हम छोड़ देंगे अब पोहा को। तब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे। एक पैन लिया है मैंने, इसमें डाल देंगे ऑयल। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ रिफाइंड ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही मैंने इसमें डाल दिया है राई। राई के बाद डाल देंगे इसमें करी लीव्स, ग्रीन चिली डाल दूंगी मैंने यहाँ पे 2 से 3 ग्रीन चिली ली है। अब यहाँ पे डाल रही हूँ 1 बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज डाल के प्याज को थोड़ी देर हम यहाँ पे भूनेंगे। अब यहाँ पे डाल रही हूँ 1 आलू। आलू को मैंने देखिए इस तरीके से कट कर लिया है, थोड़े बारीक पीसेस में ही मैंने कट किए हैं ताकि जो आलू हैं जल्दी से कुक हो जाए। ढक देंगे, ढक के इसको हम पकाएंगे। 3 से 4 मिनट के बाद पैन का ढक्कन हटाएंगे। और यहाँ पे देखिए जो आलू है पहले से थोड़े से कुक हो गए हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर देंगे इसमें। डाल के सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पोहे में बस आलू को पकने में ही टाइम लगता है थोड़ा सा, नहीं तो पोहा भी बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है। अब इसको ढक देते हैं ताकि जो आलू है जल्दी से कुक हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पे नमक भी इसी समय ऐड कर देंगे ताकि जो सारी सब्जियाँ हैं वो जल्दी से गल जाएँ। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। नमक डाल करके सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे जो सब्जियाँ थी वो अच्छे से कुक हो गई हैं। तो अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी लास्ट में ये फ्रोज़न मटर। मटर डाल देंगे, मटर डालने से जो पोहे का टेस्ट होता है ना ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है पोहा। मटर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे फ्रोज़न मटर लिया है तो इसको ज़्यादा कुक करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस देखिए सब्ज़ियाँ हमारी सारी अच्छे से कुक हो गई हैं। तो लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे पोहा। और इस तरीके से पोहा बनाने से पोहा बिल्कुल खिला खिला बनता है। तो आप जब भी पोहा बनाएं तो आप पोहे को पहले ही भिगो करके आप उसको छान के रख लें, फिर उसके बाद आप बाकी की तैयारी करें। तो देखिएगा आपका भी पोहा बिल्कुल खिला खिला बनेगा। अच्छे से देखिए मैंने इसको यहाँ पर मिक्स कर लिया है। तो अब लास्ट में इसमें ऐड करेंगे रोस्टेड मूँगफली।
और फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे इसमें, और थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करेंगे। तो देखिए हमारा टेस्टी और हेल्दी पोहा जो है बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इसमें से कौन सी नाश्ते की रेसिपी सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। रेसिपी पसंद आई होगी सारी तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक के बिना बिल्कुल मत जाइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। यहाँ पोहे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि पोहा बिल्कुल खिला खिला बना हुआ है, बिल्कुल भी चिपचिपा सा नहीं है। तो आप लोगों को फ्रेंड्स ये नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी? मैंने जो भी आपको यहाँ पर नाश्ता बताया बहुत ही कम ऑयल में ये बन के रेडी हुआ है और बहुत ही कम टाइम लगा है इसको बनाने में। तो आप इन नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।